हापुड़ में पुलिस प्रशासन ने 21 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने भोले भाले लोगों को 18 महीनों में रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है। शातिर ठगों की 14,46,00,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस प्रशासन अब तक 21,27,00,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर चुका है और निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टरों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का गठन होने के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार अपराधियों की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। यूपी में पुलिस कहीं अपराधियों के घर बुलडोजर लेकर पहुंच रही है तो कहीं अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुटा है और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने भोले भाले लोगों को 18 महीने में रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।